नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 28th of Feb तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का आज हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम कुछ लेट हो गए हैं और इसीलिए पिछले वीडियो में 11 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे उनको एक साथ कवर किया गया। उसके बाद मैंने बोला था कि 1 मार्च से लेकर आने वाले समय तक जितना भी होगा उसको कवर कर लेंगे, उसके बाद हम अपना वीकली सीरीज जो हमारा चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक के जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे और इसके बाद हमारा जो वीकली सीरीज चलता था वो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से वो शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस कमेंट के फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ रहता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ रहता है। तो अगर आपको PDF चाहिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से PDF जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ करना है और क्वेश्चंस के आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। रिवीजन बहुत मस्ट होता है, प्रीवियस जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम को अगर आपने दिया हो तो आपके पास में अनुभव होगा कि रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, कितना भी पढ़ लो। तो इसीलिए साथ में रिवीजन करते चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना, और पिछला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लो या YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां से पिछला वीडियो देख ले, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। और हाँ, एक बात और, नेशनल करेंट अफेयर वाला सीरीज भी हम इसी तरह से कवर कर लेंगे। जैसे हमने छत्तीसगढ़ को कवर किया 10 दिन 15 दिन का, उसी तरह से नेशनल को भी कवर करके उसे भी वापस से वीकली पर ले आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले के अंतर्गत नवगठित नगर निगम रिसाली के महापौर पद के निर्वाचन के लिए किस वर्ग को आरक्षित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है तो आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आपको पता है रायपुर में किया जा रहा है और इसमें कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है। इसका ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अच्छा हाँ, एक बात और, कल एक वीडियो मैंने बनाया था CGPSC में रिफॉर्म्स को लेकर, जो कुछ भी मॉडल आंसर उसने जारी किया आप लोगों को पता है कि कितना बेहुदा मॉडल आंसर था, उस पर हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, अपनी बात को रखा और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे उनके जो शिक्षक हैं या जितने भी चैनल्स पे वो पढ़ते हैं या ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उन लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं बोल रहे, तो हम आपकी तरफ से कुछ बोलें। देखिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत आप हो, तो जिस चैनल पे भी आप विजिट करते हो, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, उनके कमेंट सेक्शन में जाइए, उन्हें बोलिए कि आपके लिए वीडियोस बनाएं और आपकी आवाज़ को उठाएं ताकि मजबूती के साथ में आवाज़ उठाया जा सके। तो आप लोग जितना ज़्यादा आवाज़ उठाओगे, जितनी मजबूती के साथ में आवाज़ उठाओगे, फ़र्क उतना ज़्यादा पड़ेगा। तो ये सब आप लोगों के हाथ में, आप उनसे बोलिए, आप उनके वीडियोज़ में जाकर बोलिए, नीचे कॉमेंट करिए कि आप भी उनके लिए वीडियो बनाएं, आप भी उनके आवाज़ को उठाएं। ठीक है, चलिए शुरू करें। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों में लागू करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल हुआ है। किस प्रकार से शामिल हुआ, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका CGPSC मेंस पेपर में भी यह टॉपिक काम आ सकता है। वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, खासकर पेपर नंबर 5 में छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी में आप इसका वैल्यू एडिशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ऐसे में भी कहीं कहीं वैल्यू एडिशन किया जा सकता है टॉपिक के आधार पर। तो क्या है न्यूज, तो छत्तीसगढ़ इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के क्रियान्वयन में यानी कि इंप्लीमेंट में देश के पहले 20 राज्य यानी कि जो सबसे बेस्ट राज्य हैं जहां पर बिजनेस करना आसान है, वहां पर जो भी सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है सरकार की तरफ से, जो भी वहां पर छूट दिया जा रहा है बिजनेस करने को ताकि बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा सके, इन्वेस्टमेंट आ सके उस राज्य में, तो सुधार करने वाले पूरे इंडिया के टॉप 20 राज्यों में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया और इसके जो भी क्राइटेरिया थे
छत्तीसगढ़ ने उसे पूरी तरह से पूरा किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों में पूरा करने वाले छत्तीसगढ़ सहित 20 राज्यों को जीएसडीपी के 0.25% तक अतिरिक्त ऋण दिया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जीएसडीपी का जितना परसेंट ऋण अभी छत्तीसगढ़ या अभी कोई भी स्टेट ले सकता है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद 0.25% जो ऋण है यानी कि जो लोन है वो एक्स्ट्रा इन राज्यों को मिल सकता है, अब छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। और आपको पता है कि भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाले विभाग की अनुशंसा के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा इन 20 राज्यों को अब अतिरिक्त कोष से जो ऋण दिया जाएगा वो होगा 39,521 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट बनते हैं जिसका वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों में 20 राज्यों में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है। जीएसडीपी के टोटल जो जितना भी जीएसडीपी है उसका 0.25% अब एक्स्ट्रा लोन मिल सकता है और इन 20 राज्यों को कितना जो है अब अतिरिक्त लोन दिया जा सकता है इसका टोटल अमाउंट है। और इस टोटल अमाउंट्स में से अगर छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाए तो ये 895 करोड़ रुपए है जो छत्तीसगढ़ को एक्स्ट्रा लोन के तौर पर मिल सकता है। और पहले 15 राज्य शामिल थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार प्रक्रिया में जहां पर एक्स्ट्रा लोन दिया जाता था उन राज्यों को, और अभी हाल ही में 5 राज्यों को और शामिल किया गया। तो छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मेघालय है और त्रिपुरा है। और आपको पता है कि भारत के राज्यों का भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिलीज किया जाता है और 2019 का जो हाल ही में रैंकिंग रिलीज हुआ है इसके आधार पर छत्तीसगढ़ जो है 6वें स्थान पर है। और 2018 की भी जब रैंकिंग रिलीज की गई थी तो उसमें भी छत्तीसगढ़ जो है 6वें स्थान पर ही था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपका वर्ल्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो होता ही है, साथ में आपका वैल्यू एडिशन का भी काम करेगा यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए भी काम आ सकता है। तो ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक है, देखिए बजट से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बजट के जो भी की पॉइंट्स हैं, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो बजट के लिए अलग से होगा। तो ये जो टॉपिक है, अब छत्तीसगढ़ में 10 हवाई पट्टियां हो जाएंगी, एक हवाई पट्टी के निर्माण हेतु इस बजट में अनाउंस किया गया है। आपको बताएं 1 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ का फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए बजट अनाउंस किया गया है जिसमें कोरिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण का जो है वो प्रावधान रखा गया है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो टोटल हवाई पट्टियों की संख्या हो जाएगी, जिन स्थानों पर है उसकी संख्या हो जाएगी 10, जिसमें से एक प्राइवेट हवाई पट्टी भी है जो कि जिंदल का है जिसका निर्माण रायगढ़ में किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपका प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस टॉपिक का अगर ट्रेड से रिलेटेड या फिर छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेंस में तो इस 10 हवाई पट्टियों का भी उल्लेख कर सकते हो वैल्यू एडिशन के तौर पर, ठीक है। तो एक प्राइवेट हवाई पट्टी जिंदल द्वारा स्थापित किया गया है जो कि रायगढ़ में किया गया है। इस अगर प्राइवेट हवाई पट्टी को हटा दें तो 9 हवाई पट्टियों में से 3 को, 3 हवाई पट्टियों में एयरपोर्ट बनाया जा चुका है। कौन कौन सा वो हवाई पट्टी है? तो माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर, रायपुर को हम इसमें मेंशन नहीं कर रहे, भिलासाबाई एयरपोर्ट बिलासपुर जो कि अभी अभी शुरू हुआ है, और एक है दरिमा अंबिकापुर एयरपोर्ट। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार, इसके आंकड़े के अनुसार आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान समय में 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, एक है आपका रायपुर और दूसरा है आपका बिलासपुर। हालांकि आपके मन में डाउट आएगा कि जगदलपुर को क्यों शामिल नहीं किया गया, तो जगदलपुर को अभी इस क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के नाम आएंगे, एक आएगा आपका रायपुर और दूसरा आएगा बिलासपुर जिसे कि अभी अभी शामिल किया गया है, क्लियर है। चलिए इसके बाद कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्तमान समय में राज्य में जो 6 हवाई पट्टियां स्थित है, 3 तो हमने देख लिया कि कौन कौन से एयरपोर्ट बनाए गए हैं, और इसके अलावा जो 6 हैं वो है नंदनी भिलाई दुर्ग में स्थित है, आगाडी जसपुर, कोरबा बलरामपुर रायगढ़ में, और इसके अलावा जिंदल रायगढ़ में। तो रायगढ़ में 2 हवाई पट्टी है। आपसे वनडे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है मल्टीपल ऑप्शन देकर इनमें से कौन से जगह पर हवाई पट्टी उपस्थित नहीं है, तो उसका आंसर आप कर सकते हो। और इस साल के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा भी होगा कि मल्टीपल ऑप्शन में भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह से भी आप यहाँ प्रिपेयर रहिएगा। और आपको पता है कि रायपुर स्थित जो आपका विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ का मुख्य एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट और हवाई पट्टी से रिलेटेड इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा।
ठीक। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है राज्य का पहला सरकारी मेगा स्टोर के बारे में है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना रायपुर में किया जाएगा। इसी साल के बजट में ये अनाउंस किया गया कि रायपुर में एक सुपर बाजार के तर्ज पर पहली सरकारी मेगा स्टोर यानी कि सी मार्ट खोलने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और इस सी मार्ट को खोलने के पीछे का जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ की जितनी भी पहचान है जैसे शिल्प कलाएं हो गई या फिर हस्तशिल्प हो गया या फिर छत्तीसगढ़ के व्यंजन से संबंधित जितने भी सामान हैं, वो सभी को एक छत के नीचे ही उपलब्ध कराया जा सके। इसीलिए इस बजट में ये प्रावधान किया गया कि छत्तीसगढ़ में एक सरकारी सी मार्ट यानी कि एक बड़ा सा स्टोर खोला जाएगा और इस स्टोर में छत्तीसगढ़ कला, शिल्प, वन उपज, कृषि, छत्तीसगढ़ी व्यंजन से संबंधित सामानों को इस मार्ट में रखा जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ की जो पहचान है उसे आगे बढ़ाया जा सके और लोगों में भी छत्तीसगढ़ के जो भी व्यंजन से संबंधित है या छत्तीसगढ़ की जो भी पहचान है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके बहुत आसानी से। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये पहला सरकारी मार्ट होगा। अगला है राज्य का पहला बोर्डिंग स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल। और सरकारी ये पहला बोर्डिंग स्कूल होगा जो कि इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है। और यह कहाँ होगा? नया रायपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। पहला कहने का मतलब यह है कि ये राष्ट्रीय स्तर का पहला बोर्डिंग स्कूल होगा सरकारी। इससे पहले बोर्डिंग स्कूल हैं, आपको पता है कि एकलव्य स्कूल के माध्यम से भी बोर्डिंग स्कूल चलाए जाते हैं और भी माध्यम से चलाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का ये पहला बोर्डिंग स्कूल होगा जो कि इस साल के बजट में अनाउंस किया गया है। यह स्कूल जो है सेल्फ फंडिंग मॉडल पर संचालित किया जाएगा और इसमें पढ़ने वाले जो भी SC या फिर ST के बच्चे होंगे उनका फीस जो है राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ खास नहीं है, एक दो पॉइंट में है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, 2020 में भी पढ़ाया था, जब 2020 का बजट आया था तो उसमें भी इसके लिए फंड एलोकेट किया गया था, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने कुछ वजह से रोक लगाया था और फिर से इस बार बजट में इसको स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो रायपुर के पुराने कृषि उपज मंडी पंडरी में इस पार्क को लगभग 10 लाख वर्ग फीट में बनाने की घोषणा जो है की गई है और इस साल के बजट में 350 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है इसे बनाने के लिए किया गया है और इसका निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर किया जाएगा। PPP मॉडल का मतलब यह है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर इसका निर्माण करेगी और यहां पर जितने भी ज्वेलरी के दुकान होते हैं सबको यहां संचालित किया जाएगा। एक अनुमान है कि यहां पर 500 से अधिक दुकानों का निर्माण जो है वो किया जाएगा और यह देश का चौथा सबसे बड़ा ज्वेलरी पार्क होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इससे पहले तीन जो सबसे बड़ा ज्वेलरी पार्क है वो है मुंबई में है, कोलकाता में है और सूरत में है और यह मध्य भारत का पहला ज्वेलरी पार्क होगा इतना बड़ा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम। कहने का मतलब है कि आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। ठीक है, 2 मार्च 2021 को इस कार्यक्रम को रायपुर के अलावा, पहले इस कार्यक्रम को रायपुर में शुरू किया गया था और अब इस कार्यक्रम को प्रदेश के सभी नगर निगमों में शुरू किया जाएगा यानी कि प्रदेश के 14 नगर निगम में इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा और इसका उद्देश्य है नगर निगम के यानी कि उस नगर निगम के जिस क्षेत्र में भी यह चलाया जाएगा वहाँ के आम जनता की समस्याओं को तुरंत निराकरण के लिए घर यानी कि डोर टू डोर सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। याद रखिएगा वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और कहीं कहीं मेंस में भी वैल्यू एडिशन कर सकते हो जहां आपको उचित लगे। अगला, राज्य में 3 स्थानीय अवकाशों की घोषणा की गई है। इससे पहले भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई थी 4 त्योहारों पर, जिसमें आपका आदिवासी दिवस था, इसके अलावा छठ पूजा था, इसके अलावा हरेली था और एक कोई और दिवस था, उस पर भी अवकाश घोषित किया गया था और अब 3 स्थानीय अवकाशों की घोषणा फिर से की गई है वर्ष 2021 के लिए। ये 3 स्थानीय अवकाश कब कब होगा? एक आपका गणेश चतुर्थी, दूसरा आपका महानवमी और तीसरा भाई दूज।
ये भी आपको याद रखना होगा कि गणेश चतुर्थी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है, स्टैटिक पार्ट हो जाता है आपका जीके का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है, महानवमी कब मनाया जाता है, भाई दूज कब मनाया जाता है, तो इस तरह से भी आप याद रखिएगा, स्टैटिक पार्ट है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप देखोगे तो गणेश चतुर्थी तो है भाद्र शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है चतुर्थी के दिन, और महानवमी जो है कुमार शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, और भाई दूज अगर देखोगे तो कर्ण शुक्ल पक्ष को यानी कि द्वितीय को मनाया जाता है। तो इस तरह से कब इन त्योहारों को मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है, सुकमा में रामाराम मेला मनाया जाता है। ये मेला जो है लगभग पिछले 600 वर्षों से मनाया जा रहा है, ठीक, और आपको पता है कि सुकमा का जो रामाराम है वो छत्तीसगढ़ राम वन गमन पथ योजना के तहत शामिल भी है, और इस जिले में रामाराम मंदिर में इस मेले का आयोजन जो है किया जाता है, और परंपरा ये है कि रामाराम मेले में लगभग 84 परगना के लोग भाग लेते हैं, और मान्यता है कि यहाँ तीन बहने कौन कौन सा, माता चिटमिटिन और रामारामिन, और इसके अलावा मुजरिया छिंदगढ़ का मिलन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके स्टैटिक पार्ट के लिए, 84 परगना को याद रखिएगा कि लगभग 84 परगना के लोग इस मेले में भाग लेते हैं, और इसके अलावा 84 परगना का मतलब आप समझ रहे हो ना कि 84 क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र में जितने भी सुकमा में जितने भी क्षेत्र हैं तो वहाँ के 84 क्षेत्र यानी कि 84 परगना के लोग जो है इसमें भाग लेते हैं, और इन तीन बहनों के बारे में याद रखिएगा, और इन्हीं का मिलन होता है, और इसी के आधार पर ऐसा जो है मान्यता है यहाँ पर मनाया जाता है, और पिछले 6-7 सालों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रामाराम स्थल को राम वन गमन पथ योजना के तहत भी शामिल किया गया है। राम वन गमन पथ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं और आप लोगों को याद भी रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राम वन गमन पथ योजना प्रारंभ कहां से हुआ, चंदपुरी माता कौशल्या का मंदिर रायपुर में स्थित है, और निर्माण के लिए चयनित कुल स्थानों की संख्या 51 है पहले फेस में, और प्रथम चरण निर्मित करने के लिए 9 स्थानों का चयन किया गया, 9 स्थानों के बाद इस 51 में से और भी स्थानों का चयन किया जाएगा, और प्रथम चरण के 9 स्थान इस प्रकार से हैं, इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा, और पीडीएफ तो मैं देता ही हूँ, पीडीएफ आपको मैंने जैसा बोला कि टेलीग्राम चैनल के में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़कर आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 हाल ही में रिलीज किया गया है। किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से इस इंडेक्स को जारी किया गया है, और इस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के 2 शहरों को टॉप 10 में जगह दिया गया है। वो 2 शहर कौन कौन से हैं इस पर नजर डालेंगे। इस सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर को 58.98 स्कोर के साथ देश भर में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में रायपुर को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसे स्कोर मिला है 54.98, क्लियर। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर को 47.99 के साथ में इसे भी 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो रैंकिंग दोनों का सेम है, रायपुर का भी बिलासपुर का भी, फर्क यह है कि रायपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले की सूची में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, और बिलासपुर को 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों का स्कोर भी याद रखिएगा, 54.98 रायपुर का और 47.99 आपका है बिलासपुर का। यहाँ पर आप इस चार्ट में भी देख सकते हो, ये पॉपुलेशन है मिलियन प्लस यानी कि 10 लाख से अधिक शहरों की सूची, और ये है 10 लाख से कम शहरों की सूची। पहले स्थान पे है आपका इंदौर, इसका स्कोर है 66.08, दूसरे नंबर पर है सूरत, ये टॉप 10 का सूची है, और तीसरे नंबर पर है भोपाल। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की सूची में अगर आप देखोगे तो न्यू दिल्ली एमसी पहले स्थान पे 52.92, और तिरुपति सेकंड पोजीशन पे है 51.69, और गांधीनगर 51.59 के साथ तीसरे पोजीशन पे है। और जो भी नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक रिलीज किया जाता है इसमें पैरामीटर्स क्या क्या यूज किए जाते हैं, तो इसमें पैरामीटर सिर्फ स्वच्छता का ही नहीं होता है,
वहाँ स्कीम्स किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, वहाँ की स्थिति किस प्रकार से है, वहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उस कार्य का पैरामीटर क्या है, किस प्रकार से वहाँ पर संचालन किया जाता है, हर एक पैरामीटर को कवर करते हुए सिंडेक्स को रिलीज किया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, ये चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ कि टॉप पे कौन सा शहर है। अगला जो हमारा टॉपिक है राज्य सूचना आयुक्त के बारे में है, यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। अपॉइंट किए गए हैं दो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हाल ही में छत्तीसगढ़ में, एक का नाम है धनवेंद्र जायसवाल और दूसरा का नाम है मनोज त्रिवेदी। याद रखिएगा, वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में आपका जो व्यापम के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है मंडी निरीक्षक वाला, उसके लिए और व्यापम के आने वाले जो भी समय वैकेंसी आने वाले हैं या फिर सीजीपीएससी का जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया गया है, तो राज्यपाल श्री अनुसुईया उइके द्वारा किया गया है। इस पद पर इन दोनों का कार्यकाल जो होगा वो 3 वर्ष के लिए होगा। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 2005 से लागू है। छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार और पूरे देश भर में 2005 में ही सूचना के अधिकार के तहत सूचना आयोग जो है वो कार्य कर रहा है। और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये तो सूचना आयुक्त को अपॉइंट किया गया है। टोटल 3 सदस्य होते हैं, 2 सूचना आयुक्त होते हैं और 1 मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, श्री एम के रावत। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो श्री ए के विजयवर्गीय। इनके बारे में भी याद रखना। वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सूचना आयुक्त कौन है, और इन दोनों का नाम भी याद रखना है आपको। क्लियर है, चलिए अगला है प्रदेश का दूसरा रोपवे। रोपवे कहने का मतलब है इस तरह से, जब आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हो और अगर किसी पहाड़ी की ऊंचाई पे कोई टूरिस्ट स्पॉट है या फिर मंदिर है, तो वहां पर लोगों को ले जाने के लिए इस तरह से आप एक तरह से रोपवे कह सकते हो इसे, इसमें बैठकर ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। तो प्रदेश का दूसरा रोपवे स्थापित किया जा रहा है और प्रदेश का पहला रोपवे कहाँ स्थित है, डोंगरगढ़ में है। और दूसरा कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो महासमुंद जिले के भीमखोज पहाड़ी पर विराजित माँ खल्लारी देवी का जो मंदिर है वहां पर प्रदेश का दूसरा रोपवे स्थापित किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और इस रोपवे का निर्माण जो है कोलकाता की रोपवे कंपनी है रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इसके द्वारा किया जाएगा और इसकी लंबाई लगभग 300 मीटर होगी और डोंगरगढ़ में जो रोपवे है उसकी लंबाई लगभग 650 मीटर के आसपास है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिता श्रीवास माउंट किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतरोही बन गई है। नाम याद रखिएगा, अमिता श्रीवास। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीकन कंट्रीज का सबसे ऊंचा पर्वत है, इस पर सफल चढ़ाई करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई है। माउंट किलिमंजारो की लंबाई है 5,895 मीटर। ये माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाली, जैसे मैंने बताया, छत्तीसगढ़ की पहली महिला है। इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर्वत रोहण का अभियान जो है 4 मार्च को शुरू किया था और 8 मार्च को ये शिखर पर पहुंच गई थी। ये छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर कार्यरत है, यानी कि जांजगीर चांपा की रहने वाली है और वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। तो याद रखिएगा इनके बारे में, अमिता श्रीवास के बारे में। आपको ये भी याद रखना है कि 2019 में किलिमंजारो पर्वत पर, यानी कि अफ्रीका के इसी पर्वत पर, छत्तीसगढ़ के एक और व्यक्ति ने झंडा फहराया था। उनका नाम था चित्रसेन साहू, जो कि दिव्यांग हैं और छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं जिन्होंने किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की है। और इस पर्वत के बारे में और याद रखिएगा, ऊंचाई आपको पता है 5,895 मीटर। अगर आप इसे फिट में कन्वर्ट करोगे तो 19,000 समथिंग फिट आएगा। कहाँ स्थित है, अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी है और अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। ठीक है, तो इस पर्वत के बारे में भी कुछ कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला, ये भी पर्वतरोही से ही संबंधित है, जिनका नाम है नैना सिंह धाकड़। नैना सिंह धाकड़ का नाम सुनते ही अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो बहुत कुछ याद आ गया होगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है नैना सिंह धाकड़ के बारे में। तो न्यूज़ क्या है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर की पर्वतरोही, बस्तर की रहने वाली है नैना सिंह धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप, और इस बेस कैंप के, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप का मतलब यह है
कि ये आपका मान लो माउंट एवरेस्ट है, और जब भी ये चढ़ाई होता है तो जगह जगह पर बेस कैंप बना हुआ होता है यात्रियों के ठहरने के लिए। तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप जिसकी ऊंचाई थी 5,364 मीटर, वहां पर इन्होंने सफल चढ़ाई की है, और इन्हें छत्तीसगढ़ में द माउंटेन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले इन्होंने हरियाणा के 2,512 मीटर ऊंचे भागीरथी 2 पर चढ़ाई कर चुके हैं, और इससे पहले नेपाल, भूटान और हिमाचल प्रदेश में भी ये पर्वतरोहण कर चुकी हैं। तो नैना सिंह धाकड़, जिन्हें छत्तीसगढ़ का द माउंटेन गर्ल भी कहा जाता है, बहुत सारे पर्वत पर चढ़ भी चुकी हैं। इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप जिसकी हाइट है 5,364 मीटर पर चढ़ाई की है। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में भी यहां पर आपको जानना चाहिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848.86 मीटर। ये जो 0.86 मीटर है, ये हाल ही में इसकी हाइट बढ़ी है। पहले 8,848 मीटर ही इसका हाइट हुआ करता था। आपका माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ है, तो आपका नेपाल के सगरमाथा में माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से एक दो पॉइंट माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड भी जो करंट न्यूज में है उसे भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है, सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको पता है कि सिरपुर कहाँ स्थित है, महासमुंद जिले में स्थित है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन जो है 12 मार्च से 14 मार्च 2021 तक किया गया, और इस महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ हेरिटेज एंड कल्चर फाउंडेशन द्वारा किया गया है। सिरपुर के बारे में आपको कुछ बातें पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऐतिहासिक स्थल है उसमें से एक सिरपुर भी है। महानदी के तट पर स्थित है, महासमुंद जिले में आता है, और अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आप पाओगे कि दक्षिण कोशल की राजधानी पहले सिरपुर ही हुआ करता था। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोमवंश द्वारा, और हालांकि आपने छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सोमवंश द्वारा यहाँ सिरपुर में ही राम और लक्ष्मण की मंदिर की स्थापना भी की गई थी, और सिरपुर जो है लक्ष्मण के मंदिर के लिए मशहूर भी है, ऐतिहासिक स्थल भी है। तो इस तरह से आपको सिरपुर के बारे में भी कुछ पॉइंट्स याद होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जो है 15 मार्च से आपका भिलाई में किया गया। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल इवेंट है। ठीक है, 15 मार्च से इसका आयोजन भिलाई में किया गया, और इसका आयोजन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ एवं भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से किया गया है। किसके द्वारा किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, और इस टूर्नामेंट में 110 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें से भारत, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया और कजाकिस्तान, लगभग 6 देशों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तो इन देशों के बारे में भी आपको याद रखना होगा। तो ये था हमारा पूरा मार्च का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको मैंने कवर करा दिया, आपका एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा नहीं है। तो 20 मार्च तक के करंट अफेयर कवर हो चुके हैं, अब हम वीकली सीरीज पर आ जाएंगे, क्योंकि जिस वजह से भी डिले हुआ अब डिले नहीं होगा, हम वापस से उस वीकली सेशन को वापस से लाइन पर ले आएंगे और फिर से वीकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।